वेलकम टू माई चैनल स्टिचिविटी। इस ट्रेंडी चिकनकारी पैंट को बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर यानी सवा दो मीटर स्ट्रेचेबल कॉटन फैब्रिक का यूज किया है। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को टू फोल्ड कर लेंगे और 39 इंच लंबाई के लिए निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और वेस्ट के लिए 12 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 14 इंच पर क्रॉच के लिए निशान लगा लेंगे और मार्क्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद 3 इंच पर क्रॉच कर्व बनाने के लिए निशान लगाएंगे और कर्व बना लेंगे। अब 15 इंचेस का हाफ यानी 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बॉटम में भी 7.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। अब 3.5 इंचेस पर बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। स्केल की सहायता से मार्क्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब वेस्ट से 1 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे और कर्व बना देंगे। बनकर तैयार है। अब इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट बनाने के लिए कट किए हुए फ्रंट पार्ट को फैब्रिक पर रखेंगे और वेस्ट से 3 इंच ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। और फ्रंट पार्ट के जैसे ही शेप दे देंगे। और दूसरी साइड को फ्रंट पार्ट की तरह वैसा का वैसा ही मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट भी बनकर तैयार है। अब इसे भी कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को कट करने के बाद दोनों पार्ट्स की क्रोच को स्टिच कर लेंगे। क्रोच स्टिच करने के बाद साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। साइड्स को स्टिच करने के बाद फ्रंट पार्ट को उल्टा करेंगे और बॉटम से 2 इंच ऊपर डिजाइन को कार्बन पेपर की सहायता से ट्रेस कर लेंगे। याद रखें कि हमें डिजाइन को पैंट की उल्टी साइड ही ट्रेस करना है। फ्रंट पार्ट पर बॉर्डर और बूटे को ट्रेस कर लेंगे और बैक पार्ट पर सिर्फ बॉर्डर को ही ट्रेस किया है। अब एम्ब्रॉयडरी रिंग को बॉर्डर पर लगाएंगे।
एम्ब्रॉयडरी को बनाने के लिए मैंने मोटे कॉटन थ्रेड का यूज किया है। अब बॉर्डर पर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। इसी तरह दूसरी और तीसरी लाइन भी बना लेंगे। पत्तियों को भी इसी तरह एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। Thank you.
बॉर्डर बनाने के बाद बूटे पर रिंग को लगाएंगे और बूटे पर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद पैंट के सीधी तरफ छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे। Thank you.
एम्ब्रॉयडरी बनकर तैयार है। अब पैंट का बॉटम लेंगे और उस पर लेस स्टिच कर लेंगे। और बॉटम फोल्ड करेंगे और साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। अब 4.5 इंचेस विड्थ का बेल्ट कट करेंगे और बेल्ट को पैंट के साथ स्टिच कर लेंगे। अब पैंट में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। हमारा शानदार चिकनकारी का पेंट बनकर तैयार है। लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।